करो 200 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अटल बिहारी वाजपेयी को कौन नहीं जानता, लेकिन उनके जीवन से जुड़े कुछ अनकहे अनसुने किस्से भी हैं, जिनसे हम आज आपको रूबरू कराएंगे। तो जैसा हम जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी स्वभाव से तो बहुत गंभीर नजर आते हैं, पर क्या आप जानते हैं बचपन में वो बेहद नटखट थे। कई प्रकार के खेलों में उनकी बहुत रुचि थी। प्राइम मिनिस्टर बनने की मेरी महत्वाकांक्षा थी, मुझे अंदाज भी नहीं था कि मैं कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी लोग बताते हैं कि वे बचपन से काफी नटखट स्वभाव के थे और उन्हें कंचे खेलने का बेहद शौक था। वे खेल में काफी रुचि रखते थे। अटल जी के साथ रहने वाले उनके मित्र उनके चंचल स्वभाव से काफी प्रभावित रहते थे। अटल जी मूडी स्वभाव के थे। उनका जब मन करता वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाया करते थे और कभी कभी तो वे अपनी माँ से छिपकर यमुना किनारे जाकर डुबकी भी लगाया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की शिक्षा के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन एक ऐसा वाक्या है जिससे आप वाकिफ ना। उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई अपने पिताजी के साथ एक ही हॉस्टल के कमरे में रह के की थी। अटल जी और उनके पिता ने साथ में लॉ किया। वो एक साथ एक ही हॉस्टल के कमरे में रहते थे, जिस पर उनके अध्यापक और उनके सहपाठी हमेशा उनसे चटकारे लेते थे, जिस वजह से उन्होंने बाद में अपना सेक्शन भी बदल लिया। थोड़े समय बाद वो लॉ की पढ़ाई छोड़कर राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने 3 चुनावों के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पर आपको पता है, पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार 13 दिन में गिर गई, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो 13 महीने में गिर गई, और जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने उस वक्त ही वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता। भाजपा के 4 दशक तक विपक्ष में रहने के बाद वाजपेयी 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन संख्या बल नहीं होने से उनकी सरकार महज 13 दिन में गिर गई। नेहरू के बाद वाजपेयी पहले नेता थे जिन्होंने 3 चुनावों के बाद पीएम पद की शपथ ली। आंकड़ों ने एक बार फिर वाजपेयी के साथ लुका छिपी का खेल खेला और स्थिर बहुमत नहीं होने के कारण 13 महीने बाद 1999 की शुरुआत में उनके नेतृत्व वाली दूसरी सरकार भी गिर गई। अन्ना मुद्रक प्रमुख जयललिता द्वारा केंद्र की भाजपा की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने से वाजपेयी सरकार धराशाही हो गई, लेकिन 1999 के चुनाव में वाजपेयी पहली बार के मुकाबले एक अधिक स्थिर गठबंधन सरकार के मुखिया बने जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। गठबंधन राजनीति की मजबूरी के कारण भाजपा को अपने मूल मुद्दों को पीछे रखना पड़ा। 22 मई 2004 तक अटल भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी बहुमुखी प्रतिभा से परिपूर्ण थे। वो एक सफल नेता तो थे ही, साथ ही एक महान कवि भी थे। जब वो कविता पाठ करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठता था। तो आइए आपको बताते हैं उनके कविता पाठ से जुड़े एक मनोरंजक किस्से के बारे में। तर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता गीत नया। एक बार की बात है कि अटल जी एक कवि सम्मेलन में देर से पहुंचे, तब सभी प्रतिभागी अपनी कविता का पाठ कर चुके थे। उस कवि सम्मेलन में जज पैनल में हरिवंश राय बच्चन जी भी शामिल थे। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि उन्हें एक मौका दिया जाए। बच्चन जी ने उन्हें इजाजत दे दी, तो उन्होंने जो कविता सुनाई वो कुछ इस प्रकार है। मैं शंकर का वो क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संघार, रणचंडी की अतृप्त प्यास मैं दुर्गा का उन्मत्त हास,
मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरगट का धुआंधार। फिर अंतर मन की ज्वाला से जगदी में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जलथल अंबर जड़ चेतन को कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उनकी इस कविता पर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम ही मानो गूंज उठा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मुखर वक्ता होने के साथ साथ हाजिर जवाबी में भी बहुत माहिर थे। एक बार तो उन्होंने संसद में इंदिरा गांधी को चैलेंज कर दिया था। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ। देश में जब भी राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले महान व्यक्तियों की बात होती है तो इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी जरूर शामिल होता है। अटल बिहारी वाजपेयी मुखर वक्ता होने के साथ साथ हाजिर जवाबी में भी कहीं पीछे नहीं थे। आपको पता है सदन में एक बार उन्होंने इंदिरा गांधी को चैलेंज कर दिया था। दरअसल किस्सा है 26 फरवरी 1970 का। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सदन में खड़ी हुई थी और उन्होंने भारतीयता के मुद्दे पर उस वक्त जनसंघ पार्टी यानी बीजेपी को घेर लिया और तंज कसते हुए कहा कि मैं जनसंघ जैसी पार्टी से 5 मिनट में निपट सकती हूं। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सदन में मौजूद थे। पार्टी पर इंदिरा गांधी की इस टिप्पणी को उन्होंने इसका करारा जवाब दिया। अटल जी अपनी सीट पर खड़े हुए और कहा, पीएम कहती हैं कि वे जनसंघ से 5 मिनट में निपट सकती हैं, क्या कोई लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री ऐसा बोल सकता है? मैं कहता हूं कि 5 मिनट में आप अपने बाल को ठीक नहीं कर सकती, फिर हमसे कैसे निपटेंगी? तो ऐसा बोलकर उन्होंने इंदिरा गांधी को चुप कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं की थी, लेकिन उनके चाहने वाले अक्सर उनसे ये सवाल करते कि वो शादी कब करेंगे। इस पर अटल जी हंसते हुए कुछ ऐसा जवाब देते जिसे सुनकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से जब ये सवाल पूछा गया कि आप अब तक कुंवारे क्यों हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, मैं अविवाहित हूं लेकिन कुंवारा नहीं हूं। वाजपेयी अपने पूरे जीवन अविवाहित रहे। उन्होंने लंबे समय से दोस्त राजकुमारी कौल और बीएन कौल की बेटी नमिता भट्टाचार्य को उन्होंने दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। ये पंक्तियां लिखी हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने। इन पंक्तियों से साफ झलकता है कि वो एक ऐसे राजनेता थे जिनके लिए देश सर्वोपरि था और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को न्यौछावर कर दिया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अपने देश से अटूट प्रेम था। वे अपने देश के लिए मरने और मिटने को भी तैयार थे। अगर उनसे भारत को लेकर कोई भी सवाल पूछा जाता तो वे उसका फट से जवाब देते थे। ऐसा ही एक किस्सा है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने अटल जी से कहा, आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। इस पर अटल जी बोले, मैं भी शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, दे पाएंगी आप? इस पर पत्रकार साहिबा सन्न रह गई थी। तो इस बात से, इस किस्से से आप साफ समझ सकते हैं कि अटल जी का अपने देश के लिए क्या प्रेम था। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों को ठीक करने के लिए कई सफल कदम उठाए। उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान में बस यात्रा तय की। और क्या है इस घटना का पूरा इतिहास, आइए आपको बताते हैं। साल 1999 में दिल्ली लाहौर बस सर्विस के इनॉग्रेशन और 2004 में शार्क समिट के लिए वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से पाकिस्तान जाने वाले पहले पैसेंजर थे और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने खुद उनका स्वागत किया था। अटल बिहारी वाजपेयी को आजाद शत्रु ऐसे ही नहीं कहा जाता था। प्रेम, सद्भावना, सौहार्द में उनका बहुत भरोसा था। अटल बिहारी वाजपेयी को जितना गर्व अपने हिंदू होने पर था, उतना ही प्रेम उन्हें मुसलमान भाई बहनों से भी था। हिंदू मुस्लिम विवाद के वो हमेशा से खिलाफ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे हैं। उनका जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद से गहरा रिश्ता था। अगर अटल जी के सामने कभी भी कोई हिंदू मुसलमान के बीच की दूरियों की बात करता था तो वे अक्सर कहते थे कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है, हिंदू मुसलमान के बीच में हमेशा भाईचारा होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी 94 वर्षीय उम्र में हमें अलविदा कह गए। उनका निधन 2018 में हुआ था। जब वो अस्पताल में वेंटिलेटर पे थे तो उन्होंने कहा था कि उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन वो दोबारा जब भी जन्म लें तो भारत माँ के बेटे बनकर ही जन्म लें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। करीब 14 साल से बीमार चल रहे वाजपेयी ने 94 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। जिस वक्त वाजपेयी ने अंतिम सांस ली उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स में ही मौजूद थे। वाजपेयी की मौत की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। ऐसे वक्त में हम आपको उनके एक पुराने इंटरव्यू का एक सवाल याद दिला रहे हैं, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें मौत से डर नहीं लगता है। इस सवाल के जवाब में वाजपेयी ने कहा था कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता है, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो भारत में ही दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। उन्होंने मौत के ऊपर एक कविता भी लिखी है, जिसकी लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। मौत से मनुष्य की हमेशा ठंती है, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, बोर्ड पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। बहुत से राजनेता जन्मे हैं भारत में, पर अटल जी जैसा न हुआ था, न हुआ है और न आगे कभी होगा। पत्रकार, अध्यापक, एक सफल नेता, मुखर वक्ता, एक कवि और न जाने क्या क्या, ऐसी ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे हमारे अटल जी।